फलों के राजा आम का कुनबा और समृद्ध होगा। आम की एक नई प्रजाति अवध समृद्धि जल्द रिलीज होगी। एक अन्य प्रजाति अवध मधुरिमा भी जल्द रिलीज होगी और वो पाइपलाइन में है। इन दोनों प्रजातियों का विकास केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था रहमान खेड़ा लखनऊ ने किया है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर टी दामोदरन के अनुसार अवध स्मृति नियमित फल देने वाली और जलवायु लचीली संकर प्रजाति है। एक फल का वजन करीब 300 ग्राम का होता है। यह प्रजाति सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है। 15 साल के पेड़ की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट होती है। इसके पकने का सीजन जुलाई अगस्त होता है। अवध स्मृति का फील्ड ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि यह शीघ्र ही रिलीज हो जाएगा। अवध मधुरिमा का भी फील्ड में ट्रायल चल रहा है। इसको प्रदेश में रिलीज होने में थोड़ा समय लग सकता है। सरकार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपोर्ट के हब के रूप में विकसित करने जा रही है।